दोस्तों नए वीडियो में आपका स्वागत है। 2021 आ गया है और अब फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की बारी है और बहुत ही सीरियसली इंप्लीमेंट करने की बारी है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ये कुछ फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस हम लाए हैं जो आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं तो एक तरीके से ये आपके ही कुछ प्रश्नों का उत्तर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है जब ये वीडियो खत्म होगा दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए वो सब वीडियो में है। दोस्तों पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों समझ लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कलीग्स के साथ बैठे हैं तो शायद बात होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग्स के बारे में, लेकिन इस पॉइंट पर, फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये पहला पॉइंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जमाने में आप भी देख सकते हैं कि 60 इयर्स तक काम करने का होता था, फिर रिटायर होते थे। तो ये एक चला आ रहा है, ये अगर आप देखें तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, अब 2021 आ गया है और पिछले 10-11 सालों में बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है और उसकी वजह से अब जो यंगर इंप्लॉयज हैं वो बहुत हद तक जॉब मार्केट में आ रहे हैं। तो जो इंप्लॉयज जिनकी उम्र 45-50 ईयर्स है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको कंपनियां प्रिफर नहीं कर रही है। नोट करके रखिए, अगर आपकी उम्र 45-50-55 के पास है तो कंपनी शायद आपको प्रिफर नहीं कर रही है क्योंकि आपको पेमेंट ज्यादा देना पड़े, क्योंकि सीनियर पोजीशन में रहती है। तो कंपनियां कोई यंगर एम्प्लॉय जिसको टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनको प्रिफर कर रही है। और ये चीज आपके सामने भी हो रही होगी और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके ऐसा कोई क्या एक्सपीरियंस है ताकि ये पूरी कम्युनिटी को एक एडवांटेज मिल सके। तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचिए, 2021 परफेक्ट ईयर है। हमारे चैनल में ऐसे वीडियोज आते ही रहते हैं और अब चूंकि इस चीज पर अवेयरनेस आ रही है तो एक सीरीज ऑफ वीडियोस भी अगले कुछ दिनों में हमने प्लान किए हैं। तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दूसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इस पर बात होनी शुरू हुई है और उसके लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट जो था वो था कोविड। कोविड आया और उसके बाद से अचानक से जो हम देख पा रहे हैं कि अवेयरनेस जो है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बढ़ गई है और ये जरूरी भी है और ये अच्छा भी हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों अब ट्रीटमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ने लग गए हैं और अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आपकी कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे स्पाउस है, आपके वाइफ हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हैं, कुछ कुछ कंपनियां पेरेंट्स को भी देती है हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ, तो उस पर अब डिपेंड करना अब सही नहीं रहेगा। अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तो होता ही है बट नहीं है तो अगर आपके पास है भी तो भी यहां पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचिए। टैक्सेस का भी एडवांटेज है बट मैं टैक्सेस पर मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो टैक्सेस से तो बहुत ज्यादा बढ़कर है। पॉलिसीज को समझिए और अगर आप मिडिल इनकम में है, मिडिल आपकी कमाई है, तो फिर आपको कोई भी कल अनिश्चितता जॉब रिलेटेड आती है तो एटलीस्ट आपको हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अब तो मंथली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी आ गए हैं। जैसे हम SIP की बात करते हैं कि हर महीने आप म्यूचुअल फंड में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हेल्थ पर भी एक तरीके से एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझा सकूं। यहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स है, यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, सपोज आपको 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और 35,000 रुपए का आपने डिडक्टेबल यहां पर चूज किया हुआ है। तो जैसे कवरेज है, हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस है, डे केयर है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये सब कवर रहता है। अब यहां पर आपको मैं यहां फोकस करवा रहा हूं, 367 रुपीस का मंथली प्रीमियम है। पहले जो भी प्रीमियम हुआ करता था आप ईयरली मतलब साल के शुरुआत में पे करते थे या जब भी पॉलिसी आपने ली है, आपने अप्रैल में ली है, मई में ली है, जब भी महीने में ली है तो उस समय में आप लेते थे और 12 महीने की पॉलिसी होती थी। लेकिन अब पॉलिसीज जो है आप मंथली भी पे कर सकते हैं तो आपके लिए, पॉकेट के लिए भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो एक एडवांटेज है। तो
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं दोस्तों, एक्सप्लोर जरूर कीजिए। और बिल्कुल हाई टाइम है इन सब चीजों के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आपकी फैमिली के लिए, अपने को, आपकी फैमिली को एक तरीके से सिक्योर करना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आए हैं, यहाँ सेविंग और वो सब चीजें बता नहीं रहे हैं। हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो, लेकिन हम कहते हैं दोस्तों इनकम को भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। सिर्फ जॉब पर फोकस नहीं करना है, आपकी इनकम भी अलग अलग जगह से होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई होनी चाहिए दोस्तों। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, कुछ साइड हसल, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद भी कुछ कर सकते हैं आप, फिजिकल स्टोर या डिजिटल स्टोर में भी अगर आप कुछ यहां पर अपना हाथ बटा सकते हैं तो जरूर सोचिए। इनकम में जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे डिविडेंड हो गया, ये पैसिव इनकम हो जाती है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और आपको कुछ चीज में इंटरेस्ट है, समझ लीजिए आपको ब्लॉगिंग करने में इंटरेस्ट है या फिर यूट्यूबिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये सब चीजों को भी आप जरूर एक्सप्लोर करिए। जो भी पैसा आएगा, हम नहीं कहते आपकी सैलरी जितनी है उतना आएगा, लेकिन जो भी पैसा आए वो आपको एटलीस्ट एक मोटिवेशन देगा दोस्तों। तो कल की तारीख में कुछ भी अनिश्चितता आती है तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। इमरजेंसी फंड दोस्तों, इमरजेंसी फंड पर हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो मार्च अप्रैल का महीना था वो बहुत ही खराब रहा था, बहुत ही ज्यादा लोगों के जॉब गए थे। मैं अपने कुछ पुराने कलीग्स को जानता हूं जिनका जॉब लॉस हुआ था उस समय में। तो उस समय अगर उनके पास कोई फंड था कि जिससे उनका 6 महीना 1 साल चल जाए, तो स्ट्रेस जरूर कम था, अनिश्चितता थी। आज तो चलिए जनवरी का महीना आ गया है और हम देख रहे हैं वैक्सीन है, और मार्च जैसा पैनिक, अप्रैल जैसा पैनिक आज लाइफ में नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप कमाते हैं तो जरूर इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। पर्सनली मैं प्रिफर करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 12 महीने का इमरजेंसी फंड खुद रखने का, लेकिन अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं, कोई 6 महीना कहता है, कोई 3 महीना कहता है। पर्सनली मैं 12 महीने का करूंगा कि कुछ भी कल की तारीख में होता है तो 12 महीने तक एटलीस्ट खुद को कुछ नहीं होना चाहिए, और तब तक 12 महीने में आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं दोस्तों। इंटरनेट का पावर है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। अगली चीज है टर्म इंश्योरेंस लेना दोस्तों, पीरियड, और आगे कुछ मत सोचिए। टर्म इंश्योरेंस जहां से भी हो आप ले लीजिए, आपके जो बैंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टर्म इंश्योरेंस को, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और कंपैरिजन वेबसाइट्स भी आ गई हैं। टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। आप बोलेंगे तो टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए उस पर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों, लेकिन ये इसीलिए जरूरी है कि कल कुछ भी अनिश्चितता आती है आपके ऊपर तो आपकी फैमिली का क्या होगा। अगर आप ही कमा रहे हैं, समझ लीजिए आपकी शादी हो गई है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो उनके बारे में सोचना जरूरी है। ये जो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पर प्रीमियम देना पड़ता है 8,000-10,000 तो हमको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, दोस्तों रिटर्न इन सब चीजों में रिटर्न नहीं होता है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। रिटर्न यहां पर एक अलग चीज का है कि कल कुछ होता है तो फिर उनको एक जो फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी हो जाएगी उनके लिए। तो दोस्तों यहां पर आप रिटर्न के बारे में मत सोचिए। बहुत सारे कस्टमर्स या कभी कभी हमको कमेंट सेक्शन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये सही नहीं है। हर चीज क्या SIP नहीं होती, हर चीज म्यूचुअल फंड नहीं होती है कि जहां पर आप कुछ रिटर्न देख सके। आप ह्यूमन है, आपकी एक वैल्यू है, और उसके हिसाब से आप अपनी फैमिली के बारे में जरूर प्लान करके रखें दोस्तों। उम्मीद है ये 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशन आप जरूर लेंगे 2021 में। कमेंट में आप जरूर बताइए आपका क्या फाइनेंशियल रेजोल्यूशन है, और अगर आपको कुछ जानना है दोस्तों तो जरूर बताइए, पूरी डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।